नमस्कार, मैं प्रिया, पटना न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं पटना की फटाफट 11 खबरों को। जन औषधि सप्ताह का हुआ शुभारंभ। IGIMS में बीते दिन से जन औषधि सप्ताह का शुभारंभ हो गया है। इसको लेकर IGIMS के डॉक्टरों ने बीते दिन ही पैदल मार्च निकाला था, जो कि IGIMS संस्था के परिसर से होते हुए निकली थी। इस दौरान मार्च में शामिल डॉक्टरों और मेडिकल के छात्रों ने लोगों को जन औषधि केंद्र से दवा खरीदने के लिए जागरूक किया, जिसको कि IGIMS संस्थान के निदेशक विभूति प्रसन्न सिन्हा और अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि इस मार्च का अहम उद्देश्य यही है कि संस्थान में भर्ती मरीजों को सस्ती दर पर दवा मिल सके। पटना एयरपोर्ट पर बढ़ी फ्लाइटों की संख्या। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद से विमान यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। कुछ शहरों के लिए बंद पड़ी फ्लाइटों को क्योंकि दोबारा शुरू कर दिया गया है। वहीं होली में घर आने वालों की भीड़ को देखते हुए निजी विमानन कंपनियों ने भी पटना के लिए अतिरिक्त उड़ान शुरू करने की घोषणा की है, जिसके परिणाम स्वरूप ही पटना एयरपोर्ट पर विमानों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच बीते दिन एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नया स्केड्यूल भी जारी किया गया, जिसमें ही 100 विमानों की उड़ान शामिल है। ज्ञात हो, होली में देश के हर कोने से आने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए निजी विमानन कंपनियों ने पटना से पुणे, पटना से चंडीगढ़, पटना से रांची, पटना से अहमदाबाद की उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। अपने जन्मदिन और महाशिवरात्रि पर खजपुरा शिव मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीते दिन जहां एक तरफ महाशिवरात्रि की धूम बिहार में थी, वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपना 71वां जन्मदिन मना रहे थे। वहीं इन दोनों शुभ अवसरों पर सीएम नीतीश बीते दिन खजपुरा शिव मंदिर पहुंचे, जहां पर ही महाशिवरात्रि शोभा यात्रा के अभिनंदन महोत्सव में सम्मिलित होकर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और उनकी सवारी भगवान नंदी की आरती कर पूरे बिहार में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर निकली शोभा यात्रा में शामिल संगठनों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। वहीं आयोजकों ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश के साथ महामहिम राज्यपाल फागू चौहान भी उपस्थित थे। अगले सप्ताह से कई ट्रेन हो जाएगी नियमित। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार में परिचालित होने वाली कई ट्रेनें अब नियमित होने वाली है। कोरोना के मामलों में आ रही कमी के कारण बिहार की ट्रेनों को एक बार फिर से सामान्य रूप से चलाए जाने की तैयारी हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ही पटना से नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस 7 मार्च से तो वहीं संपूर्ण क्रांति 16 मार्च से नियमित हो जाएगी। वहीं इस्लामपुर से नई दिल्ली जाने वाली मगध एक्सप्रेस 8 मार्च से, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस 17 मार्च से नियमित होगी। अगले सप्ताह से अधिकांश ट्रेनें नियमित होने की उम्मीद है, जिसके बाद ये भी उम्मीद है कि ट्रेन होली से पहले एक बार फिर से नियमित हो ही जाएंगी। इग्नू पटना के छात्रों का अब IIT पटना होगा नया ठिकाना। आने वाले दिनों में इग्नू पटना के छात्र IIT पटना में नजर आने वाले हैं, क्योंकि अब इग्नू के छात्र अपने सारे रिसर्च का काम IIT पटना में ही करेंगे। इसको लेकर इग्नू पटना रीजनल सेंटर और IIT पटना के बीच कोलैबोरेशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद ही अब ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही एक MOU साइन होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना के रिजल्ट सेंटर में विभिन्न प्रकार के स्किल डेवलपमेंट कोर्स का संचालन होता है। ऐसे में इस तरह के कोर्स करने वाले छात्रों में काफी संख्या में कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं जो रिसर्च से जुड़ना चाहते हैं। पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक साथ पकड़े गए 5 साइबर ठग। इन दिनों बिहार में साइबर अपराधियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। आलम कुछ यूं है कि हर दिन के साथ साइबर अटैक्स के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है, जिस पर नकेल कसना ही बिहार सरकार और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसी बीच बीते दिन पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि बीते दिन ही बजाज फाइनेंस और होम लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 5 लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा पूर्व SP प्रमोद कुमार ने किया, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि इन अपराधियों में ज्यादातर नालंदा के कतरीसराय के रहने वाले हैं। जयप्रभा मेदांता अस्पताल में OPD, फार्मेसी और एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप की हुई शुरुआत। आने वाले दिनों में पटना का मेदांता अस्पताल मरीजों के लिए काफी ज्यादा सुलभ होने वाला है, क्योंकि कंकड़बाग से जयप्रभा मेदांता अस्पताल में मंगलवार को मेदांता फार्मेसी और एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप की शुरुआत कर दी गई है, जिसकी शुरुआत मुख्य कार्य अधिकारी पंकज सैनी ने की, जिसके परिणाम स्वरूप ही अब जयप्रभा मेदांता अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को सभी तरह की दवा परिसर में ही उपलब्ध मिलेगी। उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सही दाम पर उपलब्ध हो जाएंगी। दवा के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जयप्रभा मेदांता अस्पताल पटना वासियों को घर पर भी दवा उपलब्ध करवा सकता है। पटना विश्वविद्यालय में एकेडमिक भवन के निर्माण की उठी मांग।
पटना विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन के लिए पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्य सरकार को 54.50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि वर्तमान मुख्यालय पुराना और जर्जर हो चुका है। हालांकि सोमवार को बिहार का बजट भी पेश हो गया और बजट में इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया, जिसके बाद यह पटना विश्वविद्यालय में दो बड़े भवनों के निर्माण का प्रस्ताव विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले साल ही राज्य सरकार को भी भेज दिया था। इसमें पहला अकेडमिक भवन का निर्माण होना है, जबकि दूसरा प्रस्ताव प्रशासनिक भवन से संबंधित है। टीका देने में रिकॉर्ड बनाने वाली दो वैक्सीनेटर होंगी सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यानी कि 8 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से कोविड-19 की रोकथाम को लेकर बिहार में सबसे अधिक संख्या में टीकाकरण करने वाली पटना की दो महिला स्वास्थ्यकर्मी माया यादव और वंदना कुमारी को सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दी है। साथ ही उन्होंने दोनों महिला कर्मियों को बधाई भी दी है। आपको बता दें, माया यादव ने जहां 517 सेशन में 273,732 टीके लगाए हैं, वहीं वंदना कुमारी ने 217,400 टीका लगाने का काम किया है। राजधानी पटना में मिले कोविड-19 के 14 नए मामले। बिहार में कोविड-19 के मरीजों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में साझा किए गए जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 33 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें पटना में 14 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 133,048 सैंपल की जांच हुई है और 76 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,820 रुपए है, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,130 रुपए है। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,000 रुपए है। इसके साथ ही राजधानी पटना में आज पेट्रोल की कीमत 105.93 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर है। वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार से निकले किस अभिनेता ने बिहार का मान सबसे ज्यादा बढ़ाया है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। पटना की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।